राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि और सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर सी पी जोशी साहब, हमारे विभाग के सचिव महोदय विजय कुमार छिब्बर जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी संजय बंदोपाध्याय जी, एनआईसी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महेश चंद्रा जी, उपस्थित अधिकारीगण, भाई और बहन, आदरणीय डॉक्टर सी पी जोशी साहब ने जब से ये मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से ये विभाग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग खूब बढ़ गया है। हम साथ में ये विभाग में आए थे तब जोशी साहब ने पहले कहा था कि भी हमारे विभाग के जितने भी टेंडर हो रहे हैं वो सब अभी ई टेंडर प्रोसेसिंग से होने चाहिए, तो आज हमारा विभाग पूरी टेंडर प्रक्रिया ई टेंडरिंग से कर रहा है। उसके बाद आज जो सबसे लोकप्रिय जो सोशल वेबसाइट है फेसबुक, तो फेसबुक में भी हमारे विभाग ने एंट्री ली और हमारा फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट हमने ओपन किया और उसके भी बहुत सारे प्रतिभा पूरे देश से हमें मिले। उसके बाद आज गूगल हैंगआउट में भी हमारे मंत्रालय ने पदार्पण किया था और स्वयं हमारे जोशी साहब ने जो भी लोग थे उनके साथ स्वयं बातचीत करके उनको जो भी उनके प्रश्न थे उनका उत्तर देने का भी प्रयास किया था। साथ ही साथ में अभी हमारा विभाग ई टोलिंग में भी चला गया है कि जैसे टोल प्लाजा पे आपका समय ना व्यय हो, इसलिए हमने सबसे पहले चिरकपुर परवानो सेक्शन में ई टोलिंग प्रोसेस हमने शुरू किया था और हाल ही में 10 दिन पहले हमने बम्बई से बड़ौदा तक जितने भी टोल प्लाजा है वहाँ पे भी हमने ई टोलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की है, जिसका लाभ भी काफ़ी लोग आज ले रहे हैं, उनका समय भी बच रहा है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ये विभाग के कार्य करने में भी एक गति हम ला सके हैं और इसीलिए हमने ये सारथी और वाहन भी हमने लॉन्च जब किया था तब हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रतिभाव हमें मिलेगा, लेकिन आज हमें लग रहा है कि आज करीबन 11 करोड़ व्हीकल को हम उसमें जोड़ सके हैं, लेकिन आज भी जो 5 करोड़ जितने अभी भी व्हीकल जो है उसको जोड़ना बाकी है, करीबन 6 करोड़ जितने ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें भी डिजिटलाइज करना अभी बाकी है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसमें राज्य सरकार का जितना समर्थन जितना सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिलेगा इतनी इस काम में हम गति ला सकते हैं। तो आज की इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं तो यही चाहता हूं कि हम में जो त्रुटि है वो भी आप सामने लाए और कैसे साथ मिलके इस कार्य को और गति दे और पूरा भारत देश को हम कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क से जोड़ दे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।